और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से टीएमसी के मंत्री और नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी ने हलचल पैदा कर दी है। नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में सुबह सुबह ही तीन जगहों पर एक साथ दबिश दिए और अब तक ये दबिश जारी है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सुजीत बोस के दो घरों के ऊपर रेड पड़ी है। टीएमसी विधायक तापस राय के ठिकानों पर भी ईडी की ये छापेमारी हुई है। वहीं टीएमसी नेता और उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के घर भी ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में जब रेड के लिए पहुंची थी ईडी की टीम, उसी वक्त अधिकारियों के ऊपर किस तरह से हमला हुआ था उससे सबक लेते हुए इस बार ईडी की टीम अब जब पहुंची है अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों की पूरी फौज साथ लेकर छापा मारने पहुंची है। सीआरपीएफ के जवानों ने इस वक्त सिर पर हेलमेट लगाया हुआ है ताकि अगर पिछली बार की तरह कहीं कोई हमला करता है, हरकत करता है, तो उससे ना सिर्फ खुद को भी बचाया जा सके बल्कि ईडी के अधिकारियों को भी सुरक्षित रखा जा सके। और इसकी पूरी तैयारी के साथ सीआरपीएफ ईडी के अधिकारियों के साथ मौजूद है। मंत्री सुजीत बासु के घर पे ईडी रिछापे चल रहा है। एक तरफ से जब ईडी रेड वहाँ पे चल रहा है, यही वो जगह है, यही वो लोकेलिटी है। एकदम न्यू फीचर जो सीआरपीएफ ईडी इस बार इस्तेमाल कर रहा है वो है कि आप देख सकते हो कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं यहाँ पे तैनात, वो एरिया डोमिनेशन कर रहा है। कहीं पर भी अगर भीड़ हो रहा है तो वो भीड़ हटाया जा रहा है। लोग जहाँ पर ये गाड़ी पार्क करके रख रहे हैं उन लोगों को पूछताछ किया जा रहा है कि ये गाड़ी किसके लिए है, कितने देर तक रहेगा। ये जो फीचर है ये बिल्कुल नया है, ये देखा नहीं गया था कई रेड से। और महज एक हफ्ते में ही ईडी की बंगाल में ये लगातार दूसरी छापेमारी है। याद होगा आपको कैसे ठीक एक हफ्ता पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में कार्रवाई की थी और इस बार ईडी नगर निगम में नौकरी घोटाले की जांच करने के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुबह सुबह ईडी की टीम ने बंगाल में तीन जगहों पर एक साथ छापा मारा है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस के दो घरों पर छापेमारी लगातार चल रही है। टीएमसी के विधायक तापस रॉय के यहाँ भी ईडी ने दबिश दी है। पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम यहाँ भी पहुंची और टीएमसी नेता और उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के घर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तफ्तीश के लिए। पिछले शुक्रवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में ईडी की टीम पहुंची थी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ये गई थी और वहीं पर उसी वक्त हमला हुआ था और इसके बाद ईडी के डायरेक्टर खुद बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग के बाद ईडी आक्रामक नजर आ रही है और आज एक बार फिर कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। देखिए इस ताजा छापेमारी ने बंगाल की राजनीति में पूरी तरह उबाल ला दिया है। बीजेपी को एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया है और अब बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को चोर तक बता दिया तो टीएमसी इस रेड को केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की एक और मिसाल कह रही है। चोर का घर में ईडी का रेड तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। His two direct relative engage in Kamarhati municipality. Tapas Rai also involved in Boranagar municipal recruitment scam. We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. देखिए ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी चाहेगा, यानी चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है।